जिस रात भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ उसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन ये तो वो कहानी है जो अक्सर ही आपने सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी एक ऐसी कथा है जो शिवरात्रि से संबंधित है। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए, फिर उनकी नाभि से कमल खिला जिसमें ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया कि कौन ज्यादा महान है। दोनों ही खुद को दूसरे से ज्यादा उच्च बताने में जुट गए। नौबत तो युद्ध करने तक की आ गई और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। तभी अचानक बीच में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया जिसके दिव्य तेज को देख दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। अब उन दोनों ने इस अग्नि स्तंभ का मूल स्रोत पता लगाने की सोची। इसके लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर चल दिए। इसी तरह ब्रह्मदेव ने भी हंस रूप धारण किया और वे आकाश लोक की ओर उड़ चले। दोनों ने बहुत यत्न किए लेकिन उस स्तंभ का अंत न पा सके। जब दोनों को स्तंभ का कोई और छोर न मिला तो वे अपनी हार मानकर वापस लौट आए। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया और अपने दर्शन देने का आग्रह करने लगे। अंततः इसी दिन उस जलते हुए स्तंभ से भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव ने कहा कि आप दोनों का झगड़ा व्यर्थ है। इस सृष्टि में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि तीनों देव एक समान हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समुद्र मंथन से जो कालकूट विष निकला उसे भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए इसी दिन अपने कंठ में धारण कर लिया था और तभी से इस दिन शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। दुनिया की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ चित्रों के द्वारा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चित्रकथा।